बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त मैं फैसल्स का जो बी ब्लॉक है जो 6600 की सीरीज़ है, एग्जैक्ट ब्लड नंबर कौन सा आ रहा है, 66 इधर आ रहा है, 6630। ये अगर आप न्यू मैप पे चेक करें तो ये 50 फुट की गली जा रही है, ठीक है, ये कटाई हो चुकी हुई है बी ब्लॉक का जो है, और 6630 प्लाट नंबर जो है ना इस वक्त हम उधर मौजूद हैं, ये जो एरिया है। और आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं, ये इन्होंने डिगिंग की हुई है, बकर्स जो बनी हुई है, ये बेसिकली का मतलब इसका ये मतलब होता है कि इनके पास ये एरिया जो है पोजेशन में मतलब आ चुका हुआ है, जस्ट इसमें अब कटाई होना बाकी रह गई है, ठीक है। ये सर आप देख सकते हैं, वो एंड तक अगर आप गौर करें, ये जो एक दरख्त आ रहा है बीच में, ये जो दरख्त है उनकी बैक साइड पर अगर आप देखें तो उधर भी ये बकर्स जो है ना वो लगी हुई हैं, दूर दूर तक मतलब ये बी ब्लॉक में इनके पास ये पोजेशनेबल एरिया आ चुका हुआ है, ठीक है। ये लाइक ये सीरीज़ बनती है नए मैप के हिसाब से, अगर आप देखें क्योंकि वो डिगिंग जो है ना जो कटाई हो रही है वो न्यू मैप के हिसाब से हो रही है डेवलपमेंट, तो ये 6600 की ये वाली पट्टी आ रही है, फिर आगे 6500 है, 6300 सो ऑन जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब, ठीक है। ये एरिया सारा आपके सामने आए ऑन ग्राउंड मौजूद है और ये ज़बरदस्त एरिया है, खूबसूरत एरिया है, ठीक हो गया। ये 50 फुट की गली जा रही है, 6600 जो 30 नंबर मैंने प्लाट बताया है, ठीक है। और ये वाला जो है ना उसके सामने ये मिनी कमर्शियल आ रहा है, 123 नंबर कॉर्नर है इस कमर्शियल का, और अपोजिट अगर देखें तो वो सी ब्लॉक है, ठीक है। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ज़बरदस्त एरिया है, ये सारा इनके पास हुआ आ चुका हुआ है, ये गांव है, ये बेसिकली इनकी बाउंड्री है, ये फ्यूचर प्लान है, ठीक है। वो जो घर इन्होंने डिमोलिश किया हुआ है, ये अब इनके पास सारा एरिया बी ब्लॉक का, ये जो 6600 6500 6300, ठीक है, ये अब इनके पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बस इसमें बाकी कटाई होना रह गई है और कटाई भी अभी इस गली में स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बी ब्लॉक के जो गांव की ऊपर वाली साइड है, ये ऑलमोस्ट आप इसको 100 कार्ड क्लियर कह सकते हैं। सो ये देख सकते हैं जी आप, ठीक है, ये गांव है बेसिकली, तो गांव तो मतलब इसमें आते ही नहीं है सोसाइटी में, तो गांव के सराउंडिंग में आप देखें तो ये इनके पास ज़मीन या लैंड एक्वायरी इन्होंने की हुई है, मौजूद है ये लैंड, बस इसमें जस्ट वो कटाई होना बाकी रह गया है। बाकी ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त सॉलिड लैंड है, इसमें फिल्म वगैरह नहीं है, खूबसूरत टाइम है, ज़बरदस्त टाइम है ये परचेजिंग के हवाले से, अगेन वही वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो और आपको ये मस्ट हो इस बारे में सोचना चाहिए परचेजिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ठीक है। तो ये सामने बेसिकली ये सी ब्लॉक है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वो अगर आप गौर से शायद आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, वो जो गाड़ियों ऊपर जा रही हैं ब्लिंक सी कर रही है लाइट, ये बेसिकली जी ब्लॉक जो इनका जो मेन डबल रोड है जी ब्लॉक को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली वो डबल रोड है। तो जब ये एक ऑन ग्राउंड जब इसकी कटाई वगैरह हो जाएगी, गलियां कट चुक जाएंगी, तो फिर आप देखिएगा कि एक इसमें यूनिक लुक होगी और एक यूनिक बूम होगा इसमें, ठीक है। यही तो उनका कमाल है चौधरी तुम जी सबका कि जहाँ भी जाते हैं एक जंगल में मंगल कर देते हैं, एक यूनिक एक स्टेट ऑफ द आर्ट के तौर पर ना वो चीज़ों को डिज़ाइन दे देते हैं। सो जी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है लैंड, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं स्पेशल वो जितनी भी पहले मैंने वीडियोस बनाई है वो ज़्यादातर मैंने वो बी में और ए ब्लॉक में बनाई है, ठीक है। तो मुझे वो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सी ब्लॉक का कोई मतलब कोई ऐसा प्रॉपर जो वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैंने कोई टाइम निकाला बड़ी मुश्किल से यार, देन मैं आया हूँ वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह होपफुली आज शाम तक मैं आपको जो है ना वो शेयर कर दूँगा चैनल पर। सो ये देख सकते हैं जी आप, ठीक हो गए सर, थैंक यू।